मोदी जी की जांच कराओ, कहीं गांजा तो नहीं पीते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आम आदमी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। संजय सिंह ने पीएम मोदी की शराब वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए पीएम पर आपत्तिजनक बयान दे बैठे हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी की जांच कराओ, कहीं गांजा तो नहीं पीते। राजनीतिक दलों को शराब, हीरोइन और कोकीन तो कई चौराहा छाप नेता बोल सकता है, प्रधानमंत्री नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने ठग लिया आपको, इतना झूठ बोला कि आप लोग भी उस चक्कर में आ गए। संजय सिंह ने कहा कि तमाम बुराइयों के बाद कहते हैं कि वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दे देना। हमने एक फिल्म देखी थी शोले, जिसमें मौसी से बसंती का हाथ मांगने के लिए अमिताभ बच्चन जाते हैं। कहते हैं कि धर्मेंद्र शराबी भी है, जुआरी भी है, लेकिन शादी पक्की कर दो। हमारे मोदी जी भी दिन रात झूठ बोलेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे, आपकी जेब काटने का काम करेंगे, महंगाई बढ़ाने का ऐलान करेंगे, पेट्रोल 90 रुपए में बेचेंगे, डीजल 85 रुपए में बेचेंगे, दिल्ली के अंदर माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं देंगे, 15 लाख के नाम पर आपसे झूठा वादा करने का काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव आए तो पहले वोट भाजपा को देने की मांग करेंगे। शोले के धर्मेंद्र से होशियार रहना, इस बार हमारे मोदी जी शोले के धर्मेंद्र हैं। सारी कमियों के बाद दिल्ली वाले कहते हैं कि वोट मोदी जी को ही दे देना। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी खाली सोते समय चुप रहते हैं, जितनी देर जागते हैं उतनी देर भाषण देते रहते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सपा के एस, रालात का आर और बसपा का बी को मिलाकर तीन दलों के गठबंधन का शराब बताते हुए कहा कि ये आपको बर्बाद कर देगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए शराब को शराब बताने की कोशिश कर रहे थे, जो सेहत के लिए हानिकारक है। सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए ट्वीट में कहा कि शराब और शराब अंतर वो लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृग तृषा भी कहते हैं और ये धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्वीट ने संजय सिंह ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि मित्रों, पाकिस्तान का ISI भी चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आखिर ISI से मोदी जी का क्या दोस्ती है। संजय सिंह इससे पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर रहे हैं। पीएम मोदी सबूत और सपूत वाले बयान पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा, बिल्कुल सही कहा मोदी जी, हमको भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सपूत चाहिए, रफेल में दलाली खाने वाले कपूत नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि इस देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या फिर पाकिस्तान का हीरो चाहिए, हमें सबूत चाहिए या फिर सपूत चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।